हरे कृष्णा। तो आज का जो चर्चा का विषय है, इस चर्चा के विषय में एक चीज हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। इस चर्चा के बाद आप लोग एक चीज के लिए तो क्लियर हो जाएंगे कि भगवान विभू है और हम अणु। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान स्वराट है और हम नगण्य भी नहीं। नगण्य में भी जो नगण्य होता है ना, हम वो है। गिनती नहीं होती है जिन चीजों की, उसमें भी जिन चीजों की गिनती नहीं होती है, हम उस गिनती वाले इंसान है। तो आज ये चर्चा का विषय है। इसमें बताया गया है, इसमें दोनों तरीके से बताया गया है। जो हमारा मॉडर्न साइंस है वो मॉडर्न साइंस में डिफीट होता है, और उसके आगे जो हमारा अहंकार है कि हम कुछ हैं, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारे पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन हम भगवान नहीं है ना। जैसे कि पराशर मुनि बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य तेजस्य अज्ञानम वैराग्यम एव षड् षड्विधि भगवान मना। तो बताते हैं कि ये जो छह ऐश्वर्य हैं, ये छह के छह ऐश्वर्य जिसमें पूर्ण मात्रा में है, वही भगवान है। और आज इस श्लोक में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटी सी छोटी सी छोटी बात बताई गई है इस अध्याय में, अध्याय नंबर 11 में, तीसरे स्कंद के 11 नंबर अध्याय में छोटी सी बात बताई गई है कि परमाणु के द्वारा किस तरह से हम आकलन कर सकते हैं, समय की गणना, काल की गणना कर सकते हैं, तो वो बताया गया है। तो यहाँ शुरू होता है, 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं इस तरह से। तो इसमें और भी आगे चीजें आई है। मैंने एक छोटा सा ये शेयर किया था आपके साथ, क्या नाम है, दयालु प्रभु, आपके व्हाट्सएप पे मैंने एक शेयर किया है, आप देखेंगे जरा। ओके प्रभु जी, मैं चेक करता हूँ। हाँ, उस पर मैंने शेयर किया है, वो फोटो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो देख कर दीजिएगा, फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं तब तक चालू रखता हूँ। तो यहाँ पे लघु बताया गया है, 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं जिसे दंड कहा जाता है, और फिर दंड का कैलकुलेशन किया गया है हमारे मानवीय गणना के अनुसार। मानवीय गणना इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के अंदर क्षमता नहीं है। मनुष्य छोटी सी छोटी सी छोटी सी जो छोटी सी चीज है उसका माप भी नहीं कर सकता, जो भगवान के अनुसार भगवान माप कर सकते हैं, या भगवान के भक्त या योगी जन सिद्धि जन भी कर सकते हैं। वो छोटी सी चीज भी मनुष्य गणना नहीं कर सकता, है ना। जैसे मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद में वर्णन है, केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पतस्वा। जैसे बताया गया है कि बाल का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग का 100 हिस्सा करो और फिर उसमें से एक हिस्सा लो और फिर उसका फिर से 100 हिस्सा करो, तो जो एक हिस्सा बचता है, मतलब जो 10,000वां हिस्सा है, वो आत्मा का मापन है, और आत्मा उतना छोटा है। तो हम इतनी छोटी आत्मा को तो हम आज तक देख नहीं पाए। बहुत प्रयास करने के बाद हमको, बहुत मेहनत से, भगवान के असीम अनुकंपा से हम कोरोना देख पाए, लेकिन कोरोना से भी जो छोटी सी जीवात्मा है उससे भी साइज में छोटी है, लेकिन है बड़ी विशाल। बड़े बड़े वेल को चलाती है, बड़े बड़े मनुष्यों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को, पर्वत आदि को चलाती है। तो ये जो छोटी सी आत्मा है, ये सब कुछ कर सकती है। तो ये छोटी सी आत्मा है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन है, वो छोटे कैलकुलेशन से हम धीरे 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 ऊपर जाएंगे, और फिर देखेंगे जो विराट हमारा ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, और हमारी अवधि कितनी बड़ी है, पर देवताओं की अवधि कितनी बड़ी है, और एक मिनट रोजी मैं बताता हूँ, देवताओं की अवधि कितनी बड़ी है, और ब्रह्मा जी की अवधि कितनी बड़ी है, और भगवान ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी अवधि में ब्रह्मा जी का कहाँ स्थान आता है। और जो भगवान इतने विशाल हैं, उस भगवान का हमें भजन करना चाहिए। इतने विशाल भगवान को अपने बुद्धि से, अपने बल से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कॉमर्स साइंस आर्ट्स
और मेडिकल नॉलेज इन सबसे मापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? अरे इतने विशाल है, हम करेंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना भगवान के अनुकंपा के हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है कि हम कर सके, बिल्कुल नहीं है ना। तो इसीलिए तो ये बनाते हैं। उसके बाद दंड मापने का बताया गया है, एक पात्र बनाया गया है और उस पात्र से हम दंड को कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बताए हैं कि ये गणना भी मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम के होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं, तो 8 पहर होते हैं, दिन में 4 और रात में 4, है ना। पिछली बार मैंने आपकी क्लास में या किसी क्लास में मैंने शेयर किया था कि हर दिन दिवाली संत की 8 पहर वसंत, तो 8 पहर होते हैं, दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर। एक पहर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का एक पहर होता है, ऐसे अलग अलग पहर होते हैं, है ना। तो जो 8 पहर होते हैं, ये 8 पहर में 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में होते हैं, और इस तरह से 15 दिन का रात हो, 15 दिन का 15 दिन और 15 रातें होती है, जो 2 मास पखवाड़े, मतलब 15 दिन 15 रात, मतलब टोटल 24 घंटे का 15 दिन का कैलकुलेशन। और ये जो होते हैं ये 2 होते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्षों में 1 महीना होता है, और ये दोनों पक्ष मिलाकर 1 महीना बनता है, और इसमें इस अवधि को जो पूरा 1 महीना है वो पितृलोक का 1 दिन होता है, पितृलोक या देवलोक कहते हैं, नहीं पितृलोक का 1 महीना होता है, पितृलोक हमारे ऊपर जो पितृलोक है ना, भगवान कहते हैं भगवद्गीता में यान्ति देवता देवान पितृन यान्ति पितृवता, तो पितृलोक मनुष्यों के ऊपर होता है पितृलोक। तो जो मनुष्यों का 1 महीना होता है, 15 दिन 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन कृष्ण पक्ष का जो 1 महीना होता है, वो पितृलोक का 24 घंटा होता है। अब इसके आगे जाते हैं, इसके आगे 6 महीने होते हैं मनुष्यों के, हमारे जो 6 महीने होते हैं, हमारे 6 महीने और 6 महीने उत्तरायण के और 6 महीने दक्षिणायन के। सूर्य जो है उत्तरायण में 6 महीने रहता है और दक्षिणायन में 6 महीने रहता है। तो जो उत्तरायण 6 महीना है और दक्षिणायन 6 महीना है, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बनता है देवताओं का 1 दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन। जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन होता है, और जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात होती है। उत्तरायण में देवताओं की शक्ति प्रबल होती है और दक्षिणायन में असुरों की शक्ति प्रबल होती है। जैसे हम देखते हैं भगवान वराहदेव के साथ जब हिरण्याक्ष युद्ध कर रहा था, तो उस समय सारे देवताओं ने प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने भगवान वराहदेव को कहा कि भगवान इस असुर को मार दीजिए। भगवान बोले क्यों, खेलने तो थोड़ा खेल रहा हूं ना मैं, अरे मैं खेलने के लिए तो आया हूँ, अपना जो बाहुबल है, बाहुबल खेलने के लिए था, इसको हम लोग WWF या WWE बोलते हैं, है ना, वो खेलने के लिए तो आए हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं इसे जल्दी मार दीजिए, क्योंकि अभी दक्षिणायन चालू होने वाला है, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, असुरों की शक्ति दक्षिणायन में बढ़ती है। देखिए भगवान कितने अनुकंपा रखते हैं, भेद नहीं करते हैं, देवताओं को प्रबल बनाए तो असुरों को भी कभी कभी शक्ति दे देते हैं। इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि जब हमारे आसपास या कहीं पर कुछ उत्पात होता है असुरों द्वारा, तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी हमको भी शक्तिशाली बनाते, कभी उनको भी बनाते, लेकिन भगवान के भक्त इन दोनों से परे हो, उन्हें देवताओं की शक्ति और असुरों की शक्ति से कोई चिंता नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों को शक्ति देने वाले सर्वशक्तिमान भगवान, उनके पास हमेशा शक्ति प्रबल होती है, वो कभी भी शक्ति से विहीन नहीं होते, क्योंकि वो असुरों को भी शक्ति दे सकते हैं, देवताओं को भी दे सकते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, है ना। इस तरह से जो देवताओं का दिन और रात बनता है, और उसी के संयोग से ये जो दिन और रात जो देवताओं का बनता है, तो देवताओं का जो 1 24 घंटा होता है वो हमारे 1 वर्ष का पंचांग होता है और ऐसे मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है।
और इस तरह से सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, परमाणु है, ब्रह्म है, ये सब जो है ये दिव्य काल के निर्देश के अनुसार ही चलते हैं और अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इतने सारे ग्रह हैं आसमान में, एक छोटा सा रॉकेट बना देते हैं, इसको अंग्रेजी में स्पुटनिक कहते हैं। प्रभुपाद जी के कई सारे आप लेक्चर्स और तात्पर्य में पढ़ोगे ना, प्रभुपाद जी उसको ऐसे बोलते हैं, सिटी का नाम दे रहे हैं, जस्ट लाइक यू हैव मेड अ स्मॉल स्पुटनिक एंड बाय स्पुटनिक यू वांट टू गो टू द मून प्लैनेट। तो इतने सारे अनंत असंख्य ग्रह हैं, हम एक कृत्रिम उपग्रह बना लेते हैं, तो एक कृत्रिम उपग्रह बनाकर हम सोचते हैं कि हम भगवान से बड़े हो गए, और जिस ग्रह पे तुम रह रहे हो वो भगवान ने बनाया है, और उस ग्रह को प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है, उसका प्रेशर है, उसके अंदर का जो एक्सप्लोजन है, कैलकुलेशन है, उसके अंदर लिविंग कंडीशन है, उस सबको भगवान मेंटेन कर रहे हैं, क्षण प्रतिक्षण मेंटेन कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भगवान आंख बंद कर ले तो एक प्रलय हो जाएगा, अभी देखेंगे हम आगे। एक क्षण के लिए भगवान आंख बंद कर ले तो बड़ा बड़ा प्रलय हो जाता है, और उस छोटा सा स्पुटनिक बनाने वाला थोड़े से धातु जमा करके एक छोटा सा खिलौने जैसा एक रॉकेट बनाकर चंद्रमा पे भेज दिया, पता नहीं चंद्रमा पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई और ग्रह पे चले गया होगा गलती से, क्योंकि चंद्रमा पे तो जा नहीं सकता, चंद्रमा तो देवताओं का जो स्वर्ग का कोई एक ग्रह है उस पे तो जा नहीं सकता, तो अगर उस पे नहीं जा सकता तो पता नहीं कहीं तो गया होगा। एक बार एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, हो सकता है वो राहु या केतु पे गया होगा, क्योंकि वो भी उसके आसपास पटराते रहते तो वहां चला गया होगा। तो जो चंद्रमा है या कोई और ग्रह है उस पे हम नहीं जा सकते, और ये सारे ग्रह जो हैं वो काल के निर्देश के अनुसार ही अपनी अपनी कक्षा में रहते हैं और अपने अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में देखे होंगे जो पीटी होता है ना, पीटी करते हैं बच्चे लोग, तो बच्चों को एक एक अक्ष दिया जाता है, सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ खड़े रहेंगे, जूनियर स्टूडेंट्स यहाँ खड़े रहेंगे, नए स्टूडेंट यहाँ खड़े रहेंगे, जो रेगुलर कैडेट है वो यहाँ खड़े रहेंगे, जो मार्च कराने वाला कैडेट है वो यहाँ खड़े रहेगा, तो जो एनसीसी का या जो एनसीसी का या जो और जो कोई है वो इस तरह से जितने भी कैडेट्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सारे अपने अपने कक्षा में खड़े रहते हैं, और उनको चलाता कौन है, उनको चलाते हैं पीटी मास्टर, है ना, हमारे स्कूल के पीटी मास्टर होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे इस दृश्य जगत के जो पीटी मास्टर है वो है काल, और काल जो है वो सभी को एक एक गणना के अनुसार खड़ा करके रखते हैं, और भगवान उस काल के निर्देश के अनुसार ही सारे के सारे जो ग्रह हैं, जितने भी बड़े से बड़े ग्रह हो, जितने भी छोटे से छोटे ग्रह हो, है ना, आजकल न्यूज में आता है एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड करके कहते हैं, वो एस्ट्रॉइड की बात होती है ना, अरे उनको पता रहना चाहिए, वो एस्ट्रॉइड भी काल की गणना के अनुसार ही चल रहा है, बिना काल के परमिशन के एस्ट्रॉइड किसी को टच नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान के भक्तों को भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए। और ये अलग अलग जो है जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, ये सबका अपना अपना संवत्सर होता है, और इसके अनुसार हम करते हैं। चलो प्रभु जरा शेयर करेंगे उसी तात्पर्य का आया हूँ। तो हम अभी काल की घड़ी देखेंगे, और काल की घड़ी कैसी है वो बताते हैं। तो देखिए, ये काल की घड़ी है, यहाँ पे एक त्रुटि से शुरू होता है, एक त्रुटि का मतलब होता है 8/13,500 सेकेंड, 8/13,500 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड को अगर आप डिवाइड करोगे 13,500 से, तो जाके वो एक त्रुटि बनेगा, बोलते ना त्रुटि हो गई है आ? और फिर इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 100 त्रुटि का होता है एक वेद, है ना, फिर उसके बाद होता है 3 वेद का एक होता है एक लव, 3 लव का होता है एक निमेश, और 3 निमेश का होता है एक क्षण, और 5 क्षण का होता है एक काष्ठा,
और उसके बाद 2 मिनट का होता है एक लघु, और आधे घंटे का या 30 मिनट का होता है एक दंड। बोलते हैं ना दंड दिया जाएगा, तो आधे घंटे ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो एक दंड होता है आधे घंटे का, उसके बाद एक प्रहर होता है 3 घंटे का, एक दिन होता है 12 घंटे का, एक रात होती है 12 घंटे की, और एक पक्ष होता है 15 दिन का। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो इस तरह से ये होता है, और ये सारा का सारा जो है वो काल की गणना के अनुसार चलता है। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन करा किया गया है, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्य गया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तब हम भजामी। तो ये जो चक्षु है भगवान की, जो आंख है वो सूर्य है, और उसके अनुसार काल की गणना होती है, और उस काल के अनुसार जितने भी ग्रह हैं वो अपनी अपनी कक्षा में खड़े होकर अपने अपने अक्ष के ऊपर परिक्रमा लगाते रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं। इस दृश्य जगत में मनुष्यों को भगवान की शक्ति के आधार पे भगवान की भक्ति करने की सुविधा मनुष्य को देते रहते हैं। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये कोई भी कार्य साइंस का फैंटेसी नहीं है, विज्ञान का आनंद नहीं है कि वैज्ञानिक लोग इसमें रमण करें, आनंद लें और नया नया खोज करें और नए नए चमत्कार, नए नए जो जो अद्भुत अद्भुत अकल्पनीय मनुष्यों की गणना के अनुसार, या जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनकी गणना के अनुसार जो अद्भुत और अकल्पनीय चीजें हैं उन चीजों को देखें और फिर न्यूज में डालें और फिर लोगों से पैसा कलेक्ट करें, यही करते हैं सारे साइंटिस्ट। भगवान का बनाया हुआ है, तुमने बनाया नहीं है, हमारी कल्पना के अनुसार नहीं है, हमारे लिए वो अद्भुत है, हमारी कल्पना से परे हमारे लिए जो अद्भुत चीज है उन चीजों को हम लेकर हम उसका फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, या उसका छोटा सा कुछ प्रमाण ले लेते हैं, न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, हमने खोज किया। अच्छा, बनाया किसने? खोज तो आपने किया, बनाया किसने वो प्रश्न पूछना चाहिए। जितने वैज्ञानिक बताते ना हमने चंद्रमा की खोज कर ली है, ठीक है, पता करो चंद्रमा बनाया किसी ने, बनाया तभी तो खोज किया ना, बनाया किसने वो प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस तरह से भगवान की असीम शक्ति है और इस तरह से चलता है। आगे जो है, आगे मैत्रेय जी विदुर को बताते हैं कि इस तरह से जितने भी हैं, सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीव को जीवन देता है और जीव की आयु भी कम करता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैत्रेय जी बता रहे हैं कि सूर्य आयु इसलिए कम करता है, लोगों को आयु देता है, तो क्या होता है जैसे ही हम हमारे पास आयु आ जाती है, बल आ जाता है, तो हमारी आसक्ति हो जाती है, ये चीज मैं भोगना चाहता हूं, और उस आसक्ति के कारण हम उसमें बंधन में पड़ जाते हैं। तो सूर्य देखता है कि जब उसने अपनी शक्ति दी है और हमें आयु दी है तो हमारी आसक्ति बढ़ रही है, तो सूर्य बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों चीजों को काल के निर्देश के अनुसार ये तीनों चीजों को धीरे धीरे फिर कम करता है। क्यों? ताकि हमारी आयु कम हो और हमारा जो हम आयु बढ़ने के वजह से, बल बढ़ने के वजह से जो आसक्ति पाल के रखे हैं वो आसक्ति कम हो, है ना। जैसे डायबिटीज हो जाती है तो शक्कर से आसक्ति कम हो जाती है, अभी रहता है स्वाद तो है लेकिन करें क्या, बीमार पड़ जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो बीमारी का भय, मृत्यु का भय, उसके लिए शक्कर छोड़ देते हैं। किसी का बीपी हाई हो रहा है तो नमक छोड़ देता है, है ना, ऐसे कई सारी परेशानियां हैं। लोग बहुत भाग दौड़ करते, बहुत भाग दौड़ करते घुटने में दर्द आ जाता है ना, लोग एक जगह घर में सोए पड़े रहते हैं तो भी घुटने में दर्द आ जाता है, तो फिर क्या करें, फिर योगा करो। तो 24 घंटे में 5 मिनट भी भगवान का भजन के लिए जिन व्यक्ति को नहीं होता, वो व्यक्ति बेचारा आधा घंटा निकालता है योगा करने के लिए, क्यों, बीमारी का भय है, मृत्यु का भय है। यही भगवान का चुपचाप भजन कर रहा होता, सेवा कर रहा होता, शरीर एक्टिव होता तो क्यों बीमारी पकड़ती, और पकड़ती भी तो इतना चिंता नहीं होता क्योंकि ध्यान भजन में लगा रहता, मन भजन में लगा रहता, तो बीमारी से ज्यादा व्यक्ति विचलित नहीं होता। लेकिन करे क्या,
तो इसीलिए सूर्य धीरे धीरे सबके आयु खींच लेते है ना। क्षमा कीजिए, ये डरावना है नहीं और ना मैं बना रहा हूँ, मैं एज इट इज बता रहा हूँ, आप सब डरिएगा। ठीक है, तो स्वर्ग से ऊपर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, इस तरह से हमें पता चलता है। और ये आकाश में बड़े वेग से चलता है और इसलिए कहा गया है सूर्य के प्रत्येक 5 वर्ष में करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो इसी के बीच में एक तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन भक्तों को इन सब मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, फिजिकल और केमिकल, ये सब कैलकुलेशन भक्तों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि भगवान ने बनाया है, उठा के भगवान की सेवा में लगा दो बस, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अरे वाह, ये बहुत अच्छी वस्तु, अच्छा उसका कारण पता करो, उसका कार्य पता करो, उठा के भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। भक्तों को उसके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान है, भगवान अनंत है, भगवान अदम्य है, भगवान कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें क्यों चिंता करना चाहिए उस चीज। हमको सिर्फ उसका पता करना चाहिए, उसका कारण क्या है और कार्य क्या है। तो कारण पता चल गया, कार्य पता चल गया, उठाओ भगवान की सेवा में लगा, बस हमारा इतना ही कार्य, इससे ज्यादा भक्तों को प्रयास नहीं करना चाहिए। और यही देखिए अभी यहाँ पे श्लोक संख्या 16 में विदुर जी कहते हैं कि मैं पितृलोक, स्वर्गलोक तथा मनुष्य लोक के निवासियों को आयु समझ पाया हूं, लेकिन मुझे अब उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताए जो कल्प की परिधि से परे हैं। ये प्रश्न पूछना है, कोई व्यक्ति आएगा ना, बहुत साइंस बताएगा, बहुत मैथ बताएगा, बहुत पावरफुल पावरफुल नॉलेज देगा, है ना, हमारे न्यूज में आता है, हमारे समाचार पत्रों में आता है, हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और ना जाने बहुत सारे हैं, अब तेरा नाम मुझे भी नहीं याद है, मैं इतना यूज भी नहीं करता। तो इतने सारे जो है, जितने सारे इंफॉर्मेशन, ये वंडरफुल, ये वंडरफुल, ये वंडरफुल, तो सारे वंडरफुल चीजों को ना जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो वंडरफुल चीजें हैं, इस वंडरफुल चीजें के वंडर में कौन फंस गया है, बद्ध जीव फंस गया है। हमें पूछना चाहिए उन जीवों के बारे में बताइए जो कल्प की परिधि से परे हैं, जो काल की परिधि से परे हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो बंधन में नहीं आते इन चीजों के, हमें उनके बारे में। विदुर जी भगवान के भक्त हैं, विदुर जी भगवान के भक्त हैं, और भगवान के इन भक्तों से हमें यही सीखना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछते हैं। फिर भी जो मैत्रेय जी हैं, वो मैत्रेय जी आगे की ओर बताते हुए, मैत्रेय जी फिर भी आगे बताते हैं, अभी परिधि को तो पता चले ना, अरे जिस चीज के परे हैं बता रहे हैं, उस परे चीज को, जो जिन चीज के पार है, तो वो जो चीज है जिसके पार है, वो चीज का तो भी मापन देखना पड़ेगा ना, तब मापन देखते हैं, है ना। तो इस तरह से अब मैत्रेय जी शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि 4 युग होते हैं, आपको पता है वो 4 युग कौन से हैं, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये 4 युग हैं, है ना। और इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवताओं का वर्ष, देवताओं का जो 1 वर्ष होता है, मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर होता है, जैसा कि आगे श्लोक में बताया गया है। तो देवताओं के जो 12 वर्ष होते हैं, वो अवधियां युग संध्याय में सम्मिलित है। इसका वर्णन अगले श्लोक में बताते हैं कि सत्ययुग जो है वो देवताओं के 4800 वर्ष के अनुसार है। देवताओं के 4000 वर्ष, 4800 वर्ष मतलब हमारे 1728000 वर्ष देवताओं के, क्योंकि उसको 360 से गुणा करना पड़ेगा। और त्रेता युग देवताओं के 3600 वर्ष के अनुसार है, द्वापर युग 2400 और कलि युग 1200 वर्ष। और ये सारे जो हैं वो जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष, है ना। थोड़ा क्या करें, देवताओं का भी इतना जीवन है, इतना बड़ा बड़ा जीवन है, और हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए। भगवान के भक्त जो हैं, वो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु और जो बड़े बड़े देवता हैं, उनका भी ऐश्वर्य और भोग नहीं चाहते हैं, उनको भी छोड़ना चाहते हैं,
और ये मनुष्य जो है वो धरती के छोटे 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 भोगों में पड़ा हुआ है ना। जैसे मान लो हम लोग बहुत बढ़िया मालपुआ खा रहे हैं, ठीक है, क्षमा कीजिए, सुबह सुबह का समय है खाने पीने की बात करने से लेकिन है ना उदाहरण ले रहा हूँ। तो जो मालपुआ अगर मान लो हम बढ़िया इकट्ठा बढ़िया मालपुआ उठा के खा रहे हैं है ना, और उस मालपुआ में से एक बूंद जो है चाशनी गिर जाए, और वो एक बूंद चाशनी गिरेगी और वहां पे चींटी आके उस एक बूंद चाशनी का भोग कर रही है। अब वो चींटी के लिए तो एक बूंद चाशनी तो बहुत बड़ा है ना, चींटी के 4-5 गुना साइज से बड़ा है, तो वो उसको भोग करती है। उसको सोचती वाह इतना बड़ा भोग करने के लिए मुझे मीठा मिला है। अब वो चींटी के लिए जो एक बूंद है उसको तो हम पूछते भी नहीं, हम तो मालपुआ से गिर रहा है इसके लिए वो चींटी खा रही है, हम तो मालपुए का आस्वादन करते हैं। तो वैसे मनुष्य जो है छोटे से भोग का आस्वादन करता है और देवताओं बड़े बड़े भोगों का आस्वादन करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो न छोटे भोग पे पड़ता है न बड़े भोग पे पड़ता है, वो केवल भोक्ता राम के पास जाता है और भोक्ता राम को मालपुआ ऑफर कर देता है और महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। भक्त जो है वो रमण नहीं करता है। तो देवताओं का भी बड़ा बड़ा है, बाप रे बहुत बड़ा बड़ा। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हालांकि पहले भी पढ़ा हूं मैं, लेकिन जितना बार पढ़ते हैं ना उतना रियलाइजेशन बढ़ता है। तो सत्ययुग में मानव जाति ने पूर्ण रूप से धर्म का सिद्धांत पालन किया था, लेकिन जैसे जैसे सत्ययुग से त्रेता युग आया, त्रेता से द्वापर आया और द्वापर से कली आया, तो सत्ययुग में तो मनुष्य अच्छे से धर्मों का पालन करते थे, लेकिन जैसा कि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा, के जैसे जैसे काल का प्रभाव और आगे बढ़ता है वैसे वैसे धर्म में अधर्म प्रवेश होने लगता है, और इतना प्रवेश होने लगता है कि धीरे धीरे हर जगह केवल अधर्म होता है। ये कलयुग क्या है, ये कलयुग अधर्म की धीरे धीरे चरम सीमा पर लेकर जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हर जगह त्राही त्राही होगी, जब देवता भी परेशान हो जाएंगे और भगवान से निवेदन करेंगे और भगवान अपने जो तमोगुणी अवतार हैं शिव जी को निवेदन करेंगे कि शिव जी बस अब संहार कर, अब मनुष्यों के जीवन लायक परिस्थिति नहीं रह गई है, देवता भी त्राही त्राही कर रहे हैं, हर जगह केवल घोर कष्ट पड़ा हुआ है, अब प्रलय कर दीजिए। प्रलय कैसा होगा चलो देखिए, हम आपको प्रलय दिखाएंगे आज है ना। तो इस तरह से जो चारों युग होते हैं हमारे हिसाब से जो 43,20,000 साल का जो हमारा पूरा एक दिव्य युग होता है, ऐसे 1,000 दिव्य युग बनाएंगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। समझ लीजिए, विचलित मत होइएगा, ठीक है, मैं वापस से धीरे धीरे चलता। हमारे 6 महीने देवताओं के 12 वर्ष, हमारा 24 महीने सॉरी हमारा पूरे 12 महीने देवताओं का 1 दिन, और इस तरह से जो देवताओं के, ये हमारा देवताओं के कैलकुलेशन है, उसके बाद हमारा जो युगों के कैलकुलेशन के अनुसार हमारा जो चारों युग है वो चारों युग जो 43,20,000 साल है मनुष्य के अनुसार वो एक दिव्य युग है, और ऐसा एक दिव्य युग को गुणा करेंगे 1,000 से तो ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, और वैसे ही 12 घंटा ब्रह्मा जी का है, मतलब जब 2,000 युग मतलब जो 86,64,000 वर्ष 86,64,000 years इतने जब साल होते हैं तब ब्रह्मा जी का होता है 24 घंटा, और ऐसे 24 घंटे के होते हैं होता है 1 दिन, ऐसे 1 दिन को अगर हम 360 से गुणा करेंगे तो होता है 1 वर्ष, और ऐसा जो 100 वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष जो ब्रह्मा जी के होते हैं जब वो समाप्त होते हैं तो
जितने भी जीवात्मा है वो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, शांत अवस्था में, मौन अवस्था में चले जाते हैं, और जितने भी 24 गुण है महत्तत्व के, जितने भी 24 तत्व है महत्तत्व में, 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां, कौन सी? ज्ञान की 5 इंद्रियां, इसकी कर्म की 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, उसके बाद 5 तत्व धरती अग्नि जलवायु आकाश, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। ये 24 जो महत्तत्व है, ये जो 24 तत्व है, ये 24 तत्वों का एक महत्तत्व बनता है कॉम्बिनेशन, और ये पूरा का पूरा महत्तत्व जीवात्मा के साथ मौन अवस्था में पड़ा रहता है जब तक प्रलय होता, ऐसे ही पड़ा शांत, वो नो एक्टिविटी, शांत पड़ा रहता है। और भगवान क्या करते हैं इसमें, इस समय जब होता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान मौन रहते हैं, भगवान अपनी योग निद्रा में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन में होते हैं 14 मनु, एक मनु का जो शासन काल है वो होता है 71 दिव्य युग, 71 जो हमारे दिव्य युग होते हैं उन दिव्य युगों का एक मनु सब मनु का शासन काल होता है, और ऐसा 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और ब्रह्मा जी के हर दिन में 14 मनु बार बार आते हैं। इस समय जिस समय हम अभी वर्तमान स्थिति में हैं, इस समय ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो चुका है, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो चुका है, और हम अब आगे की ओर चलते हैं, है ना। तो दूसरा है, तो ब्रह्मा जी के दिन के समय में सृष्टि में 3 लोग स्वर्ग मर्द और पाताल लोग चक्कर लगाते हैं, और मनुष्योत्तर पशु, मनुष्योत्तर पशु मतलब मनुष्य से ऊपर, पशु मनुष्य देवता तथा पितृगण सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो उसमें हम जितने भी जीव हैं, देवता पशु जितने लोग हैं, सब प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। ये ब्रह्मा जी के लिए क्षण क्षण की बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु या इत्यादि के रूप में अपनी अतनगा शक्ति से अवतीर्ण होते हैं, और इसी तरह प्राप्त हुई शक्ति से वो ब्रह्मांड का पालन करते हैं। भगवान खुद प्रकट होते हैं और मनु को शक्ति भी देते हैं, और मनु उसके अनुसार ब्रह्मांड का पालन करते हैं। और इस तरह से जब तमोगुण हो जाता है, बाद में जब ब्रह्मा जी का जब समय पूरा होता है तो तमोगुण होता है। एक बार एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यह भी लिखा है कि प्रत्येक मनु के बाद भी एक छोटा सा प्रलय जरूर होता है ना। दूसरा मनु जब आएगा तो एक छोटा सा प्रलय जरूर होता है। बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उस समय तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते। क्यों नहीं होते? सूर्य और चंद्रमा तो ब्रह्मा जी के पूरे दिन के लिए होते हैं, 12 घंटे के लिए, 1000 चतुर्युग के लिए। फिर जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो कहाँ चले जाते हैं? ये वहीं रहते हैं, लेकिन तब इनका तेज, इनका जो प्रकाश है वो नहीं दिखता। पूरा अमावस्या की रात की तरह पूरे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाता है, कहीं कुछ नहीं दिखता। इसीलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्येय। भगवान कहते हैं कि जो शशि मतलब चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों का तेज मैं हूं। भगवान की कृपा से चंद्रमा और सूर्य में तेज आता है, और ये चंद्रमा और सूर्य के तेज से मनुष्यों को तेज मिलता है, और मनुष्य सोचता है हम भगवान को समझ लेंगे, मनुष्य सोचता है हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और कुछ तो घोर तमस में और अंध तमस में जाकर ये सोचते हैं कि हम भगवान से बड़े हो जाएंगे, या हम भगवान को हटा देंगे, भगवान की गद्दी पे हम बैठ जाएंगे। एक बार सारे वैज्ञानिक लोगों का चर्चा हो रहा था, बहुत सारे वैज्ञानिकों का, शायद नासा में हो रहा था या कहीं हो रहा था, है ना। तो चर्चा हो रहा था, तो उसमें
सारे वैज्ञानिक एक सुर में बोल रहे थे, बहुत हो गया भगवान का, बहुत सालों से राज कर रहा है, अब हम राज करेंगे, हम हटा देंगे उसको उनकी गद्दी से और हम राज करेंगे। बताइए, पता नहीं क्या पढ़ाई कराते हैं इन लोगों, इतना मेहनत करते हैं, गड्डी का गड्डी पैसा लगाते हैं, आप भगवान की शक्ति से पैसा कमाते हैं, उनके पिताजी भगवान को प्रार्थना कर करके पैसा कमाते हैं, और वो पैसा बच्चे को लगा के देते हैं कि बच्चा जाके स्कूल में पढ़े, और बच्चा पढ़ के जब वैज्ञानिक बन जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके मांगे हुए पैसे से बच्चा पढ़ के वैज्ञानिक बनता है, और वैज्ञानिक बन के बोलता है मैं भगवान को हटा दूंगा। क्या पढ़ाते हैं आजकल का स्कूल जो है असुरों की पाठशाला है। तो सारे बोलते हैं भगवान को हटा देंगे, तो उस पे एक वैज्ञानिक था शायद गलती से इस्कॉन वाले से टकराया होगा या भगवदगीता पढ़ा होगा, तो बोलता है ठीक है भगवान को हटा देंगे, ठीक है हटा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हटा लेंगे, पता तो करो भगवान है कि नहीं। भगवान है कि नहीं तो पता कर लो पहले आप, तो भगवान को बाद में हटाना था, तो इस तरह से बताते हैं। तो जब रात्रि होती है और जब प्रलय शुरू हो जाता है तो सूर्य और चंद्र की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है, और भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि निकलती है, और वो प्रचंड अग्नि जो है वो सारे के सारे लोगों को जलाने लग जाती है, और इतना बुरी तरह जलाती है कि जितने भी महर्षि और महरलोक के निवासी होते हैं वो उस उष्मा से दूर कहाँ चले जाते हैं, जनलोक में चले जाते हैं। और न केवल प्रचंड अग्नि होती है बल्कि सारे समुद्र अपनी सीमाएं छोड़ देते हैं, भगवान बताते हैं कि समुद्र जो है मेरे भय से समुद्र सीमा में बंधा हुआ है ना, मेरे ख्याल से कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए सीमा छोड़ा था एक बार मुंबई में समुद्र ने, क्या हुआ था, सुनामी नाम का एक बहुत ही घातक प्रकृति का आघात हुआ, कुछ मिनट के लिए पूरा श्रीलंका को धो दिया था पानी डाल के, जैसे हम घर धो देते हैं हमारे, वही भगवान के शक्ति से उनके भय से समुद्र जो है वो सीमा है, लेकिन वो सीमा तोड़ देता है जब प्रलय होता है और उफान में आ जाता है, समुद्र उफान करने लगता है, प्रचंड वायु चलने लगती है, और देखते ही देखते सब कुछ तीनों लोग जलमग्न हो जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि संकर्षण से जो अग्नि निकलती है, संकर्षण जब भगवान के जो बहुत ही तेज भगवान जो है, भगवान के सेवक तेज भगवान, भगवान संकर्षण, उनके मुख से अग्नि प्रकट होती है, और वो अग्नि देवताओं के 100 वर्षों तक चलते रहती है, मतलब मनुष्यों के गणना के अनुसार 36,000 वर्ष चलते रहती, चलते ही रहती हूँ अग्नि 36,000 years। और जैसे ही वो अग्नि शांत होती है समुद्र उफान लेता है, और वो समुद्र भी 36,000 वर्ष तक उफान मारता है, और 72,000 वर्ष के घात और प्रतिघात से तीनों लोग का प्रलय शुरू हो जाता है, ये केवल शुरुआत है और इस तरह से चलते रहता है। बताइए 72,000 वर्ष तो केवल घात और प्रतिघात चलता है, और ये 100 वर्ष जीने वाला आदमी पॉल्यूशन से अपनी उम्र कम करके 70 वर्ष की आयु करने वाला आदमी जो 0.01% है प्रलय के इस पीरियड का, जो जिस पीरियड में प्रलय शुरू होता है, उतनी बड़ी आयु वाला आदमी सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं भगवान की भक्ति नहीं करके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत सारी गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, मैं बहुत आनंद लूंगा, क्या जरूरत है भगवान की भक्ति करने की, मैं खुद भगवान हूं। 0.01% है अगर आप प्रलय के हिसाब से देखेंगे, प्रलय की जो शुरुआत का समय है, और वो व्यक्ति अपने भौतिक प्रगति में अपने आप बहुत सुखी मानता है, इसीलिए प्रभुपाद जी आके कहते हैं यही माया कहलाती है, यही माया है
कि 0.0 एक प्रतिशत का जीवन है, उसमें वो सोचता है मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। अरे 72,000 वर्ष तो केवल प्रलय की शुरुआत करने को लेता है। बापरे। अच्छा, श्लोक संख्या 32 में बताते हैं कि भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर लेट कर जल में लेट जाते हैं और जनन लोक के निवासी भगवान की महिमा का स्तुति करते हैं। भगवान ने योग निद्रा में चले जाते और भगवान की स्तुति करते। भगवान की कोई लीला हो, भगवान ने जन्म लिया है तो स्तुति हो रही है, भगवान शयन कर रहे हैं तो स्तुति हो रही है, भगवान खड़े हैं तो स्तुति हो रही है, भगवान कोई भी लीला करते हैं तो भगवान का केवल और केवल यशोगान होता है, इसीलिए वो भगवान। बताइए, हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसमें किसी चीज का गुणगान कोई करता हो? हम सो रहे हैं और कोई गुणगान करता हो, देखो कितना अच्छा सो रहा है, कोई करता है गुणगान? और तो और मान लो कोई फराटा मारता तो उसको दो चार गालियां भी दे देते। बताइए, तो लोग भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान योग निद्रा में है, भगवान को नींद नहीं आई, योग निद्रा में अपने आनंद में भगवान स्वयं आत्माराम है, अपने आनंद में विश्राम कर रहे हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी समेत सारे जीव जो हैं वो जीवों के आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है ब्रह्मा जी के पास, और विभिन्न लोगों के काल के संदर्भ में जो जीव की आयु केवल 100 वर्ष ही होती है। प्रत्येक जीव की आयु, चाहे वो इंसान मनुष्य हो या देवता हो या ब्रह्मा ही क्यों हो, उनका आयु जो है वो 100 वर्ष ही होता है, लेकिन उसका जो समय की जो गणना होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारा 12 महीना जो होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है, हमारा 1,000 जो चतुर्युग होते हैं वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, लेकिन हर आदमी अलग अलग काल गणना के अनुसार उसको जीवन केवल 100 वर्ष का ही मिलता है, उससे ज्यादा वो जीता नहीं। हमारे लिए जो जीवन है 1 दिन का है ना, उसमें ना जाने कितने जीवाणु और बीमाणु प्रकट होकर समाप्ति भी हो जाते हैं, उनका पूरा जीवन काल खत्म हो जाता है। 1-1 मिनट में ना जाने कितने जीवाणु बीमाणु का जीवन समाप्त हो जाता है प्रकट। तो इस तरह से सबको 100 वर्ष मिलते हैं और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का भी गणना किया गया है, और इस गणना को कहते हैं प्रथमार्ध, वितार्ध और परार्ध। और अभी ब्रह्मा जी का वितार्ध चल रहा है क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें तात्पर्य में एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उनका आज जो जन्म है, जन्मदिन जो है वो मार्च में आता है, विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर बताते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया। और इस तरह से मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितार्ध में प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार में प्रकट होते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी के भी कई जीवन का बताया गया है, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन है, ब्रह्मा जी का 100 साल मतलब 43,32,000 वर्ष और 1,000 युग, जो पूरा 1 युग होता है, ऐसे 1,000 युग 12 घंटे के, और ऐसे 1,000 युग जो है वो 1,000 और 1,000 2,000 युग, और ये 2,000 युग का जो 1 दिन है गुणे 365, और ऐसे 365 गुणे 100, ये ब्रह्मा जी की जो एक आयु है वो भगवान विष्णु के एक सांस के बराबर है। भगवान ने सांस छोड़ा है, ब्रह्मा जी जी रहे हैं, सारा भूमंडल सब कार्य कर रहा है, भगवान सांस लिए सब कुछ अंदर, भगवान विष्णु के एक सांस के बराबर है। और इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है, विशेषो गोविंदमादि पुरुषम् अहम् वदामि
मैं उन भगवान विष्णु का भजन करता हूँ जो जिनका स्वांच महाविष्णु है। महाविष्णु भगवान के वह अंश है और असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान ब्रह्मागण उनके एक श्वास लगने के समय की शरण ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं। भगवान एक सांस छोड़ते हैं तो 100 वर्षों वाले ब्रह्मा जीवित रहते हैं। कैलकुलेशन करते रहिए, बहुत मैथमेटिकल है, इसके लिए पूरा चैप्टर लिया जा रहा है। और इस तरह से नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के पराठों तक के विभिन्न आयाम को का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही होता है। और काल का नियंत्रण, काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक ब्रह्मांड या के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले। ये जो काल है जो भगवान की शक्ति से चल रहा है, वो ब्रह्मा जी और अन्य लोगों को इस ब्रह्मांड में बंधन में डालकर रखा है, वो केवल उन्हीं को बंधन में डाल सकता है जो व्यक्ति देह का अभिमान करते हैं। The person who is under the bodily concept of life, that person is only controlled by the kala or time. समय केवल उन्हीं को बंधन में डाल सकता है। जो भगवान की भक्ति के आनंद में हमेशा रमे हुए हैं, काल का प्रभाव ही नहीं पड़ता। और हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, आज भी हमारे इतने सारे आचार्यों की जीवनी पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी की लीला पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रत्यक्ष देख लीजिए, उनका शरीर बूढ़ा भी हो जाता है तो भी उनके शरीर में जो उत्साह है, एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह होता है। और क्या उत्साह है, उनका शरीर साथ नहीं देता लेकिन उत्साह इतना रहता है, वो लगे रहते हैं सेवा में। इतने सारे भगवान प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एक एक दिन में दो दो तीन तीन देशों का भ्रमण कर ले, एक एक दिन में पांच पांच छह छह लेक्चर दे देते, कहां से आ रही है ये शक्ति? 70-70, 80-80 साल की उम्र हो गई है, पर कहां से शक्ति आ रही है पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय से परे जा चुके हैं, वो काल की शक्ति से, काल के जो परिमाप है उससे दूर है। अब वो काल के बंधन में नहीं, अब वो काल के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवा में, अब उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति शरीर देख के कहेगा अरे ये तो बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन जब वही प्रभुपाद जी के शिष्य जब सेवा करते हैं तब लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे ये कर कैसे रहे हैं, क्योंकि अब वो काल के बंधन में, क्योंकि काल जो है सभी का क्षय करा देता है। इस तरह यह भौतिक दृश्य जगत 4 अरब मील के व्यास में फैला हुआ है। इसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। जो मैंने बताया आपको 24 तत्व, वो 24 तत्व जो है वो 4 अरब माइल्स 4 अरब मील के अंदर फैला हुआ है ब्रह्मांड के अंदर। और इसका कवरिंग होता है, इसकी 8 कवरिंग होती है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। हर जो कवरिंग है वो पहली कवरिंग से 10 गुना बड़ी होती है। जो सबसे पहली कवरिंग होती है वो सबसे छोटी होती है, उसके ऊपर उससे 10 गुना कवरिंग मोटी होती है, उसके ऊपर उससे 10 गुना कवरिंग मोटी होती है, और इस तरह से 8 कवरिंग होती है। तो ब्रह्मांड के 8 लेयर उसको पार कर पाना जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होता, नहीं संभव, वो किसी न किसी आकर्षण में फंस जाए, नहीं निकल पाए। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम संदेशाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का धाम है। मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ आखिरी वाला, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आप सभी जो ग्लोरियस भक्त हैं, आप कुछ प्रश्न या मुझे सुझाव या मेरी गलती पता, मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। महाविष्णु जो कि कारणाणव में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्त्व में क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं। और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी
भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थायी है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है और वे वैकुंठ जगत विष्णु लोक में नित्य वास करते हैं। यहाँ पर प्रत्युत महान मनः महात्मनः शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है और उनका असली रूप असली स्वरूप भगवान कृष्ण है जो परम कहलाते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण जो गोविंद है कहलाते हैं। उनका शाश्वत रूप उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय की भक्ति वेदांत का प्रयोग। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक परमाणु से लेकर जिसकी गणना एक छोटा सा परमाणु या एक छोटे से छोटा अणु जिसकी गणना हम नहीं कर सकते वहां से लेकर बढ़ते 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 ब्रह्मा जी का जीवन और ब्रह्मा जी के जीवन के भी आगे भगवान की एक श्वास और वो परम भगवान विष्णु के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इतना न हम छोटा गणना कर सकते हैं न हम बड़ा गणना कर सकते हैं। हमको जो दिया गया है उसमें जीवन जीने का प्रयास करें और उसमें भगवान का भजन करें और यहाँ से अपना जो कार्यकलाप है उसको तो भगवान की सेवा में लगाते हुए अपना सारा कार्यकारिणी समाप्त करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के धाम में मतलब अपने घर में हम वापस जाए और इस संसार के मोह और बंधन से ये इस अध्याय के चर्चा से हम समझ सकते हैं और हमेशा भगवान की भक्ति करें। समझने का प्रयास मत करिए इस संसार में क्या अच्छा है क्या बढ़िया है क्या सुंदर है क्या अद्भुत है क्या अद्वितीय है क्या अकल्पनीय है। मत समझने का प्रयास करिए क्योंकि ये पूरा संसार जो है वो अनंत विविधताओं से अनंत गुणों से और अनंत चीजों से भरा पड़ा है। ये क्यों है इतना सारा? ये सब इसलिए है कि भगवान करुणा अवतार हैं, भगवान करुणामय हैं। उन्होंने इतनी सारी सुविधा दी है कि हम जैसे जीव भक्ति कर सकें। लेकिन अगर उसमें भी हम भक्ति ना करें और इधर उधर के वंडरफुल चीजों में फंसे रहेंगे ना तो फंसे रहो। 84 लाख योनियां इंतजार कर रही है और ना जाने अनंत अनंत जीवन तक हमको जैसे समुद्र में एक छोटा सा घास का तिनका बार बार उछाल मारते रहता है ना समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए, वैसे ही हमारा जीवन काल के थपेड़े खाते हुए हमारा जीवन ऊपर नीचे थपेड़ा खाते रहेगा और हम इसी तरह से 84 लाख योनियों में रहते रहेंगे। यदि हम सुविधाओं का लाभ उठाकर भगवान की भक्ति करके भगवान के उनके महान भक्तों के शरणागत तो क्षमा कीजिए ये थोड़ा सा भय देने वाला भी है और इन चीजों को जैसा बताया गया है प्रभुपाद जी की अनुकंपा से और हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा से मैंने समझने का प्रयास किया और अपनी छोटी से बुद्धि से बताने का प्रयास किया। मेरी कोई त्रुटि हो गई है तो सुधार के लिए आप सभी मेरा मार्गदर्शन। हरे कृष्ण।